नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूं कि आप अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक होंगे और हमारे इस वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चों, छठी कक्षा में आपने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था और जाना था कि पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, सूर्य के ही ग्रहों में से एक है और यह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पर बच्चों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जहाँ पर हम रहते हैं वह पृथ्वी की केवल ऊपरी सतह ही है और यह ही वह सतह है जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ आदि भी हैं। बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पृथ्वी के अंदर क्या है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवीं कक्षा का भूगोल का दूसरा अध्याय, हमारी पृथ्वी के अंदर, और जानते हैं कि ऊपर से सुंदर और सपाट दिखने वाली हमारी इस पृथ्वी के अंदर कौन कौन से राज छिपे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदरूनी भाग के बारे में। बच्चों, जिस तरह प्याज में एक के ऊपर एक कई परतें होती हैं ना, बिल्कुल उसी तरह पृथ्वी की भी तीन परतें हैं। इसकी सबसे ऊपरी परत को पपटी या भूपटल कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है जिसकी गहराई समुद्र तल से 5 किलोमीटर और महाद्वीपों से 35 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसीलिए इसे सीएल यानी सी से सिलिका और एल से एल्यूमिना कहा जाता है। और समुद्री सतह मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सिमे कहा जाता है, सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम। भूपटल या पर्पटी के ठीक नीचे की सतह को मेंटल कहते हैं, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है। यह सबसे मोटी परत है जो कि निकल और लोहे की बनी होती है, इसे निफे कहते हैं। नी से निकल और फै से फेरस यानी लोहा। यहाँ पर तापमान और दाब काफ़ी अधिक होता है। तो बच्चों, अब तो आप जान चुके हो ना कि पृथ्वी की तीन परतें कौन सी हैं। पहली परत है पर्पटी या भूपटल, दूसरी है मेंटल और इसकी तीसरी परत है क्रोड। आपने यह भी देखा कि धरती के आंतरिक भाग में कई खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें खोद कर निकाला जाता है, और इस तरह खनिज पदार्थों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, और यह काम इंजीनियरों की देखरेख में होता है। और जिस जगह पर खनिज निकालने के लिए खुदाई होती है उसे खान कहते हैं। क्या आप जानते हो बच्चों कि दुनिया की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है? इस खान की गहराई 4 किलोमीटर है। तेल मिलने की उम्मीद में इंजीनियर इस खान को 6 किलोमीटर गहरा खुदवा चुके हैं। बच्चों, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का केंद्र समुद्री सतह के 6000 किलोमीटर नीचे माना जाता है और इतना गहरा खोदना संभव नहीं है। बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की पर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन यानी पदार्थों के स्थान घेरने की मात्रा का नाप, जिसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं, का केवल 1% है, इसीलिए ये सबसे पतली परत है। दूसरी परत मेंटल पृथ्वी के आयतन का 84% है और तीसरी परत क्रोड पृथ्वी के आयतन का 15% है, और पृथ्वी की त्रिज्या
यानी रेडियस 6371 किलोमीटर है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे शैल यानी चट्टान और खनिज पदार्थों के बारे में। पृथ्वी की ऊपरी सतह अनेक प्रकार के शैलों यानी चट्टानों की बनी है। बच्चों खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड यानी अपने आप बने टुकड़े को शैल कहते हैं। ये शैल किसी भी रंग आकार या बनावट के हो सकती हैं। इन्हें अंग्रेजी में रॉक्स कहा जाता है। शैल तीन प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय, जिसे अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरी अवसादी, जिन्हें अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और तीसरी कायांत्रित यानी मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इन तीनों प्रकार के शैलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बच्चों आग्नेय शैल को जानने के लिए हम ज्वालामुखी की बात करेंगे, जिसमें आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा, जिसे लावा भी कहते हैं, पृथ्वी की अंदर की सतह से निकलकर बाहर आता है। बच्चों मैग्मा और लावा में भी अंतर होता है। मैग्मा तरल पदार्थ होता है जो धरती के अंदर ज्वालामुखी के नीचे पाया जाता है। जब इसका तापमान अधिक हो जाता है और यह ज्वालामुखी या आसपास की धरती पर अधिक दबाव डालने लगता है तो यह बाहर फूट पड़ता है। धरती से बाहर निकलने के बाद यह लावा कहलाता है। लावा तेजी से ठंडा होकर द्रवित पदार्थ से ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है। इस प्रकार इस लावा के ठंडे होने से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी बनावट बहुत ही बारीक दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बच्चों दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि दक्कन का पठार हमारे देश का एक भूभाग है। बच्चों कई बार ये द्रवित मैग्मा धरती के अंदर ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने शैलों को अंतर्भेदी शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये लावा बड़े दानों में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेनाइट पत्थर ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल इमारतों के निर्माण में होता है। बच्चों शैल नियमित रूप से लुढ़ककर या एक दूसरे से टकराकर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा और पानी के साथ बहकर या उड़कर एक से दूसरे स्थान पर पहुंचकर एक जगह जमा हो जाते हैं। यही अवसाद कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बनता है अवसादी शैल का ही एक उदाहरण है। अवसादी शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों में रहे होंगे के जीवाश्म यानी मृत शरीर के अवशेष भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शैल छोटे छोटे अवसादों के दबने और जमने से बनती हैं। आग्नेय और अवसादी शैल अधिक तापमान और दबाव के कारण कायांत्रित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। बच्चों शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़कें, घर और इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। हमारे देश के बड़े बड़े भवन और ऐतिहासिक स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल आदि भी इन्हीं शैलों का सजीव रूप हैं। और जानते हो बच्चों, इन शैलों के छोटे छोटे टुकड़े
पहले पहल कई खेलों जैसे सात पत्थर या पिट्ठू, स्टापू, पांच पत्थर या गिट्टी आदि में भी उपयोग किए जाते थे। आप अपने माता पिता या दादा दादी से इन खेलों के बारे में जरूर पूछना। उस समय यही खेल हुआ करते थे जिन्हें आसपास के सब बच्चे मिलकर खेलते थे। बच्चों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से दूसरे प्रकार की शैल में बदल जाती है। एक शैल के दूसरे प्रकार के शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। बच्चों, इस शैल चक्र को ध्यान से देखोगे तो आपका आश्चर्य विश्वास में बदल जाएगा कि किस तरह एक पदार्थ विभिन्न रूपों में परिवर्तित होने के बाद जब उस बिंदु पर पहुंचता है जहां से वह शुरू हुआ था तो वह उसी मूल रूप में आ जाता है। बच्चों, हमने इसी पाठ के पहले हिस्से में पढ़ा कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल का रूप लेती है। यही आग्नेय शैल छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। उस स्थान पर यह अवसादी शैल का रूप ले लेती है। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैलों में बदल जाती हैं और अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल फिर से पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यही द्रवित मैग्मा ठंडी होकर फिर से ठोस आग्नेय शैल में बदल जाती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे खनिज पदार्थों की। शैल कई प्रकार के खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म यानी किसी पदार्थ का गुण विशेष होता है। यही नहीं, हर खनिज का एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। कुछ खनिजों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कुछ खनिज उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं जैसे लोहा, सोना, यूरेनियम आदि। यही नहीं, कुछ खनिज खाद और औषधियां बनाने में भी उपयोग होते हैं। बच्चों, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपको पता लगाना है कि आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं। और अब वक्त है इसी अध्याय से जुड़े कुछ प्रश्न देखने का और उनके उत्तर जानने का। सबसे पहले आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और साथ ही उनके विकल्प भी होंगे और आपको बस सही विकल्प चुनना है। तैयार हो? पृथ्वी की कितनी परतें हैं और आपके विकल्प हैं 4, 2 या 3। और सही उत्तर है, बिल्कुल सही, 3। अगला प्रश्न, शैल किस पदार्थ से बनी होती हैं और आपके विकल्प हैं खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ। और सही उत्तर है खनिज पदार्थ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बने शैल क्या कहलाते हैं और आपके विकल्प हैं आग्नेय, अवसादी या कायांतरित। और इसका उत्तर है आग्नेय। अब देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, पर्पटी, क्रोड या मेंटल। और सही उत्तर है क्रोड। अगला प्रश्न है, सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं और आपके विकल्प हैं शैल, खनिज या जीवाश्म। और इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही, खनिज। अब देखते हैं छठा प्रश्न,
बलुआ पत्थर किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? और आपके विकल्प हैं अवसादी शैल, कायांत्रित शैल या आग्नेय शैल। और सही उत्तर है अवसादी शैल। और अब आखिरी प्रश्न, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी, मेंटल या क्रोड? और सही उत्तर है पर्पटी। बच्चों अब आगे चलते हैं और मिलाते हैं नीचे दिए गए शब्दों को उनके आगे दिए गए वाक्यों से। पहला शब्द है क्रोड, तो इसे मिलाएंगे हम पृथ्वी की परत से। अगला शब्द है खनिज, जिसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अब आगे है शैल, जो सड़क और इमारत बनाने के लिए उपयोग होती है। फिर है चिकनी मिट्टी, जो बदल जाती है स्लेट में। अंत में है सीएल, जो सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। अब आगे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य सही हैं या गलत। पहला वाक्य है, शैलों के कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। बच्चों यह वाक्य सही है या गलत? बिल्कुल सही, यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है, विश्व की सबसे गहरी खान सऊदी अरब में है। तो बच्चों यह वाक्य गलत है, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी खान सऊदी अरब में नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका में है। अब देखते हैं तीसरा वाक्य, जीवाश्म खाद्य पदार्थों के अवशेष होते हैं। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि जीवाश्म खाद्य पदार्थों के नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं। और अब आखिरी वाक्य, पेट्रोलियम एक खनिज पदार्थ है। यह वाक्य बिल्कुल सही है। बच्चों अब हम एक खेल खेलेंगे, आपको कुछ चीजें दिखाई जाएंगी, आपको बताना है कि ये चीजें किन खनिजों से बनती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कढ़ाई। कढ़ाई किससे बनी होती है? लोहा, सोना या पत्थर? और सही उत्तर है यह लोहे से बनी होती है। अगली वस्तु है आभूषण, यानी गहने। गहने किससे बनाए जाते हैं बच्चों? आपके पास विकल्प हैं एल्युमिनियम, संगमरमर या सोना। बहुत बढ़िया, सही उत्तर सोना। आगे हमारे पास है दिया। बच्चों दिया किससे बनाया जाता है? लोहा, मिट्टी या सोना? बहुत अच्छे, दिए मिट्टी से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं अगली वस्तु क्या है। यह है एक हथौड़ा। यह किससे बनाया जाता है बच्चों? संगमरमर, स्लेट या लोहा? बिल्कुल सही, लोहा। अगली चीज है घंटी। जानते हो बच्चों घंटी किस खनिज से बनाई जाती है? चिकनी मिट्टी से, पीतल से या स्लेट से? जी हाँ, इसका उत्तर है पीतल। आखिर में हमारे पास है तवा। तवा किससे बना होता है? पीतल से, सोने से या लोहे से? बिल्कुल सही, तवा लोहे से बना होता है। बच्चों अच्छा लगा ये खेल? क्या अब आप अलग अलग खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं को पहचान सकते हैं? अब आपको किन्हीं पांच ऐसी वस्तुओं का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, बना सकोगे? तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो? मुझे विश्वास है इसे देखकर आप पृथ्वी के अंदर के बहुत सारे राज जान चुके होंगे। आज के लिए इतना ही,
मैं जल्द ही फिर लौटूंगी कुछ नई और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।